वो आदेश लेते हैं अदानी अंबानी से। और आप देखेंगे ये जो बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ बीजेपी का नाम बहुत ज़्यादा पेपर लीक पार्टी होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुआ पिछले 4-7 साल में और इनके जो सरकारें हैं उसमें हुआ, मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत में इतने पेपर लीक किसी और सरकार के अंदर हुआ। बैन करने में पहले रहते हैं आप, सिनेमा आपको पसंद नहीं आया बैन कर दो, कोई लोग पसंद नहीं आया बैन कर दो, कोई आपको पसंद नहीं आया UAPA लगा दो, तो क्यों नहीं बायजूस के ऊपर ये कार्रवाई हुआ। इस नीति को ये लागू करना चाहते हैं, उनमें बड़े बड़े कॉरपोरेटों का बड़ा हाथ है, और अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे वो भाजपा को पैसा नहीं देंगे और भाजपा चुनाव नहीं जीत सकता है। और ये पूरी रणनीति है कि मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा बनाए, छात्र और नौजवान जो परेशान होते रहें, और सरकार जो है वो जुमला देते रहे। इसलिए भारतीय जुमला पार्टी जो है वो जुमले पे टिका है, और हर बार जैसे चुनाव नज़दीक आता है हिंदू मुसलमान कराता है, ये हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा खतरनाक है, नफरत राष्ट्र है। और कोई भी देश कोई भी धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा, वो लोगों का राष्ट्र बनना चाहिए, सारे लोगों का। तो जैसा हमारा जातिवादी व्यवस्था है ना, जैसा अम्बेडकर ने बोला रेजिमेंटेड हायरार्की, इसका मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा वो कठिन होते जाएगा किसी को ऊपर बढ़ने में, और जो ऊपर है वो तय करते हैं कि नीचे के लोगों को क्या हक मिलेगा। गरीबों को शिक्षा मिलेगी ही नहीं, दूर तब होगी ना जब आपको मिलेगा, आपको अंदर ही नहीं आने देगा तो कहाँ से मिलेगा। NEP का मतलब बाहर रखो बाहर करो। 2018 दिसंबर में रेलवेज का लोको पायलट का एग्जाम एक हुआ था, आप मुझे बताइए उसका नतीजा आया क्या अभी तक। और बोला गया कि इतने रेलवेज के बाद, इतने सालों के बाद रेलवे में एग्ज़ाम आया। अब रेलवेज में जो 50% से ज़्यादा खाली पद है उसको परमानेंटली बंद कर दिया। अब एक तरफ निजीकरण कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ निजीकरण दरअसल नहीं है, अंबानीकरण अदानीकरण है। क्योंकि निजीकरण में होता क्या है कि कुछ ज़्यादा व्यक्तियों को संपत्ति देना चाहते हैं, बट यहाँ पर 2 ही व्यक्तियों को आप देना चाह रहे हैं, और अगर उनके हाथ में जाएगा क्या वो रोज़गार देंगे या अपना मुनाफा देखेंगे। और हर जगह पे जो मुनाफाखोरी हो रहा है और मुनाफे के नाम पे लूट हो रहा है, उसके चलते हुए सच में ही नौजवान इस बात को समझ गए हैं कि इनके भविष्य में कोई ना रोज़गार लिखा हुआ है ना शिक्षा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को प्राप्त करना है वो दोबारा सड़क पे आके ही लड़ाई लड़ते हुए लड़ सकते हैं। इसीलिए अब लखनऊ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पटना देख लीजिए, या कोई भी इस देश में बड़ा शहर या गांव देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, वहाँ पे सड़क पे हर रोज़ जिस जो मोदी जी कह रहे हैं वो जिस यंग इंडिया के साथ वो खड़े हैं, दरअसल वो यंग इंडिया सड़क पे खड़ा है और कह रहा है कि हमें शिक्षा दो और हमें रोज़गार दो। और जो पेपर दांधली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो व्यक्ति इसमें पकड़े जा रहे हैं उनको उन गुनहगारों को सज़ा दो। अभी तक मुझे तो पता नहीं है कितने गुनहगारों को सच में सरकार ने सज़ा दिया, अगर दिया हो तो वो विज्ञापन बढ़िया निकालते हो, निकाल के बताए कितने लोगों को सज़ा दिया है। UP में IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर पकड़े गए, उनको कितने लोगों को जेल भेजा गया है वो बताएं। अभी UGC क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेयरपर्सन इस्तीफा देगा, कि पहली बार उन्होंने NTA को दिया और NTA ने पेपर लीक कर दिया। जब UGC कराता था पेपर लीक नहीं होता था, इसका मतलब क्या है, ये माफिया नहीं है जो काम कर रहा है NTA के नाम पर। इतने मेहनत से जो छात्र है वो पढ़ता है, और अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी प्रोटेस्ट पे आ गया है, मतलब वो भी काउंसलिंग को लेके प्रोटेस्ट पे, जिन्हें फूल की वर्षा कराते थे प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से, आज वो डॉक्टर सड़कों पर है। जनता सड़क पे है, भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो जनता है ना वो जनता सड़क पे है। खाली जो नाम के लिए भारतीय रखे हैं, बल्कि वो भारतीय भी भारतीय जनता पार्टी उसमें वो भी नहीं, वो अदानी अंबानी का पार्टी बन गया है, वो आदेश लेते हैं अदानी अंबानी से। और आप देखेंगे ये जो बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ बीजेपी का नाम बहुत ज़्यादा पेपर लीक पार्टी होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुआ पिछले 4-7 साल में और इनके जो सरकारें हैं उसमें हुआ, मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत में इतने पेपर लीक किसी और सरकार के अंदर हुआ। बिल्कुल, ताकि उनका मुनाफा भी हो जाए, और दूसरा लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर ना आ पाएँ, और तीसरा लोग रोज़गार ना प्राप्त कर पाएँ, और जो व्यवस्था बनाया गया है वो ठप हो जाए, और चौथा जो इनको पैसा देते हैं कोचिंग सेंटर, जो ऑनलाइन शिक्षा कंपनी, मैं कह रहा हूँ कई कुछ हफ्ते पहले BBC ने खबर की है, जैसे एक देश में जो बड़ा ऑनलाइन कंपनी है बायजूस, किस तरीके से वो लोगों को टारगेट करते हुए ज़बरदस्ती उनसे पैकेज करवाता था और जो वादा करता था वो नहीं निभाया। और अभी तक बायजूस पे क्यों नहीं एक्शन लिया सरकार ने, अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी को सरकार ने घोषणा क्यों नहीं किया कि नॉन फॉर प्रॉफिट होगा, सरकार ने घोषणा क्यों नहीं किया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है
वो शेयर मार्केट के अंदर घुस नहीं सकते हैं। भाई शिक्षा व्यापार नहीं है ना। अगर ये मंशा आपकी होती तो आप ये तक करते, बायजूस को बैन किए रहते हैं, अभी बैन करने में पहले रहते हैं आप। सिनेमा आपको पसंद नहीं आया बैन कर दो, कोई लोग पसंद नहीं आया बैन कर दो, कोई आपको पसंद नहीं आया UAPA लगा दो। तो क्यों नहीं बायजूस के ऊपर ये कार्रवाई हुआ? नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनको भी पता है जिस नीति को ये लागू करना चाहते हैं उनमें बड़े बड़े कॉरपोरेटों का बड़ा हाथ है, और अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे वो भाजपा को पैसा नहीं देंगे और भाजपा चुनाव नहीं जीत सकता है। और ये पूरी रणनीति है कि मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा बनाए, छात्र और नौजवान जो है परेशान होते रहें, और सरकार जो है वो जुमला देते रहे। इसलिए भारतीय जुमला पार्टी जो है वो जुमले पे टिका है, और हर बार जैसे चुनाव नज़दीक आता है हिंदू मुसलमान कराता है, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काना, जिनोसाइड का कॉलिंग, और इस तरीके का एक जो इस आज़ाद भारत में कभी इस तरीके का कम्युनलिज्म और नफरत को हमने नहीं देखा उसको आगे बढ़ाता है और लोगों को बांटने का काम करता है। और जिनको पकड़ना है, जो धर्म संसद के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, जो गॉडसे को हीरो मान रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये हिंदू राष्ट्र से ज्यादा खतरनाक है, नफरत राष्ट्र है। और कोई भी देश कोई भी धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? वो लोगों का राष्ट्र बनना चाहिए, सारे लोगों का। और जिन लोगों ने ये आतंकवादी बातें किया वो क्या आतंकवादी से कम है? क्यों नहीं अभी तक उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको गिरफ्तार इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यही तो सरकार का लैंग्वेज है, यही सरकार का पॉलिटिक्स है, यही सरकार का यही सरकार का मंशा है दिल के अंदर। वो जो कहना चाहता है, जो कह देता है उनको प्रोटेक्शन देता है। जैसे सरकार चाहता है कि पेपर लीक हो तो पेपर लीक जो कर देता है उसको बोलता है कि आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सरकार बचाएगा। बिल्कुल बचाएगा और बचाता रहेगा क्योंकि उसी का मंशा है। UAPA नहीं लगेगा, ऊपर से अमित शाह पुलिस को दिया हुआ आदेश है UAPA का। मतलब अमित शाह कैसे आदेश दे देगा अपने ही लोगों को पकड़ने के लिए? सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब सिंपल तरीके से आप समझिए, पूरे डॉक्यूमेंट पे एक बार भी आरक्षण का जिक्र नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट पे सबसे ज़्यादा बार अगर किसी बात का जिक्र किया वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जिक्र किया। पूरे डॉक्यूमेंट में ये बोला गया कि अब UGC नहीं रहेगा, जिस मंजिल के सामने हम खड़े हैं वहाँ पे हीरा बोल के एक नया बॉडी आएगा। सरकार यूनिवर्सिटियों को पैसा नहीं देगा, यूनिवर्सिटी जो है पैसा लोन पे ले, और लोन पे अगर यूनिवर्सिटी लेगा तो उसका लोन कौन भरेगा? छात्र। कैसे भरेंगे? लोन लेके। इसका मतलब ग्रांट मॉडल से अब लोन मॉडल में एजुकेशन बदलेगा। और इतना ही नहीं, एक मज़ेदार बात इन्होंने किया, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की बात जो बोला कि कभी भी आप बाहर जा सकते हैं कभी भी आप अंदर आ सकते हैं। आपको भी पता और हमें भी पता है, एक बार जो बाहर चला जाता है वो कभी शिक्षा के अंदर आ नहीं सकता है। और वो भी लोन लेके अगर पढ़ रहा है वो तो इम्पॉसिबल है। तो जैसा हमारा जातिवादी व्यवस्था है ना, जैसा अंबेडकर ने बोला रेजिमेंटेड हायरार्की, इसका मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा वो कठिन होते जाएगा किसी को ऊपर बढ़ने में, और जो ऊपर है वो तय करते हैं कि नीचे के लोगों को क्या हक मिलेगा। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो शिक्षा को प्राप्त ही नहीं कर सकता, एंटर ही नहीं कर सकता। अगर कर भी लेगा तो लोन के पैसे कहाँ से लाएंगे? आरक्षण का शब्द NEP में है ही नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ मोदी जी को कि वो कितना माइक्रोस्कोप डालेंगे, टेलीस्कोप डालेंगे, कौन सा स्कोप डाल के दिखा दे, आरक्षण शब्द NEP में है क्या? पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं है। इसका मतलब आरक्षण खत्म हो चुका है नया शिक्षा नीति में। कहते तो हम जैसे तटशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की तरफ, अरे जो बचा कुछ विश्वविद्यालय है इनको तो बचा लीजिए, दूसरा बनाएंगे तो तक्षशिला के नाम पे जो बनेगा उसमें सरकार शिक्षा नहीं देगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट शिक्षा देंगे। और कॉरपोरेट अगर शिक्षा देंगे, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, JNU में 5 साल में BA आप मात्र 1,00,000 रुपये में कम्प्लीट कर सकते हैं। मैं हॉस्टल फीस इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने का, 5 साल का आपको मालूम है अशोका में कितना लगेगा? 25 लाख से 35 लाख के बीच में। आप में से कितने लोग दे पाएगा? जैसे DU में, मैं आपको एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में NEP लागू हुआ है। NEP ये कहता है कि पहले साल आप पढ़ लीजिए, अगर आप बाहर जाना था चले जाइए, आपको डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री, फोर्थ ईयर के बाद ऑनर्स डिग्री। लखनऊ यूनिवर्सिटी में NEP लागू हुआ, डिग्री को 4 साल कर दिया, 4 साल पूरा करने के बाद आपको ऑनर्स भी नहीं मिलेगा, और हर सेमिस्टर 5,000 रुपये फीस बढ़ा दिया। पहले 10,000 रुपये था सेमिस्टर,
अब 15,000 किया, अब जो डिग्री आप 3 साल में मिल रहा था अब वो आपको करना पड़ेगा 4 साल में। इसका मतलब पहले 60,000 में आप डिग्री ले पाते थे, अब आपको 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा 4 साल में, और 40,000 आप ज़्यादा खर्च करेंगे। तो 40,000 किसके जेब में जा रहा है? सब्जेक्ट वही पढ़ा रहे हैं आप, डिग्री वही दे रहे हैं, बट 1 साल आपने बढ़ा दिया। गरीबों से शिक्षा दूर हो जाएगी? गरीबों को शिक्षा मिलेगी ही नहीं, दूर तब होगी ना जब आपको मिलेगा। आपको अंदर ही नहीं आने देगा तो कहाँ से मिलेगा? NEP का मतलब बाहर रखो बाहर करो। कैसे लड़ेंगे सरकार से? जैसे डॉक्टर लड़ रहे, जैसे किसान लड़ रहे, जैसे छात्र लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ना पड़ेगा। सड़क से अगर देश को बनाया तो दोबारा सड़क से ही देश को। येलो अलर्ट लग गया है देश में, रेड अलर्ट चल रहा है मोदी जी के सरकार में, तो जीने मरने का सवाल है हम लोगों का। लोगों को खाने का, खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा दूर हो रही है। उस रेड अलर्ट से भी लड़ना है, और जो भी आपके चैनल देख रहे हैं, हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल को वो फॉलो करें, फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और अपने आसपास लोगों को भी ये चिन्हित करें कि कोविड को हल्का ना लें। जो जो टीका नहीं लगाएं वो ज़रूर अपना टीका लगाएं, और जो जो बूस्टर शॉट के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर वो ले, और जितना हेल्थ को लेकर सुरक्षा ले सकते वो ले। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को है, उसको भी बचाने निकले जैसे वो कोविड से लड़ रहा।